अस्सलाम वालेकुम। 72 हुरेन। पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर आई द केरला स्टोरी, और अब है 72 हुरेन। इनकी मेहनत को दाद देनी चाहिए। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी पिक्चर बनाने में जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, और फिर उसे बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बना के पिक्चर बनाने की, बेतहाशा उसमें नफरत भरने की एक कौम के लिए। और वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग भी लाती है उनकी, पब्लिक रिएक्शंस में दिखता है, लोगों के कमेंट्स में दिखता है, लोगों के बिहेवियर में दिखता है। जब कोई पब्लिक प्लेस पे आप जाओ तो वहाँ नज़र आता है कि इनकी सारी मेहनत रंग ला रही है, कि इनकी जो नफ़रत फैलाने का जो इनका प्रोपोगेंडा है वो कितना कामयाब हो रहा है। तो मतलब वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं। हमारा क्या, हमें कुछ करना नहीं चाहिए? नॉट ओनली मुस्लिम्स, पर वो लोग जिन जो शायद किसी ऐसे मुस्लिम को जानते जो ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं। क्यों? आप लोग सब भी खड़े हो ना, आप और मैं, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जिनको नफरत नहीं पसंद, जिनको ऐसी सारी चीज़ें देखना नहीं पसंद, ऐसी सारी चीज़ें सुनना नहीं पसंद। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे रियल इंडियंस होंगे जो लोग अभी भी यूनिटी में मानते हैं, अभी भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और अभी भी ये चीज़ समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हेट प्रोपोगेंडाज है। मेरे हिसाब से ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं आज की वीडियो में कुछ बातें क्लियर कर सकूं। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने समझी है आप लोग भी समझिए। अगर आप इस्लाम से नफरत करते हैं ना, तो प्लीज़ ये वीडियो ओपन करिए और देखिए लास्ट तक। देखिए, अजमल कसाब, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, ये तीन नाम हैं, और भी ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं नहीं जानती उनको। पर दुनिया में जब से दुनिया शुरू हुई है और जो मेजर अटैक्स हुए, क्या उसमें सिर्फ ये तीन लोग थे? और कोई रिलीजन या और कोई लोग नहीं थे? और इनका नाम, खाली नाम इनका मुस्लिम्स में आता है, आप जानते हैं कि वो रियल मुस्लिम थे या नहीं थे? क्योंकि जहाँ तक मैं मुस्लिम्स को समझती हूँ, जहाँ तक मैंने इस्लाम को समझा है, मैं ये तीन लोगों को मुस्लिम गिनूंगी ही नहीं, मैं इन लोगों को इस्लाम में नहीं गिन सकती। मैं इन लोगों को, मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं इनको मुस्लिम्स बोलूँ। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है ना कि उन लोगों ने बहुत सारे मासूमों की जान ली है, और वो सारे मासूम, आपको क्या लगता है कि जितने भी ये सारे अटैक्स में जिन लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्या वो सारे नॉन मुस्लिम्स ही थे? उन लोगों ने सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जो मुंबई सेंट्रल में हुआ था। मुंबई सेंट्रल में सिर्फ नॉन मुस्लिम्स ही रहते हैं। आपने देखी होगी ना ट्रेन्स में, उस एरिया में कितने सारे मुस्लिम्स रहते, कितने सारे लोग, मासूम लोग मर चुके थे, और वो मरे हुए में से किसी ने ये डेटा नहीं निकाला कि हिंदूज कितने थे, मुस्लिम्स कितने थे, क्रिश्चियंस कितने थे। सब मासूम लोग मर गए थे, ये जो अटैक्स हुए थे ना उसमें मासूमों की जान ली है। और अल्लाह ताला का पता है, आप जानते हैं क्या कॉल है अल्लाह ताला ने कहा है, और ये चीज़ हमारे नबी ने हम तक कन्वे की है कि अगर कोई एक भी बेगुनाह इंसान को मारता है तो वो पूरी इंसानियत को मार देता है। ये है इस्लाम, ये इस्लाम सिखाता है कि अगर आपने एक भी बेगुनाह की जान ली है ना, अगर आप अल्लाहु अकबर करके आप किसी की जान ले लोगे, तो आपको क्या लगता है अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब करेगा? नहीं, जन्नत नहीं मिलेगी आपको, आपको जहन्नुम की ऐसी आग में डाला जाएगा ना जिससे आप तौबा करना चाहो ना तो भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ऐसी आग में डाला जाएगा। और ये जो बेगुनाहों की जान लेकर ये जो अल्लाहु अकबर के नारे लगा देते हैं, उनका अल्लाह ताला से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि हमारे अल्लाह ने, हमारे कुरान में या हमारे नबी ने हमको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया है। तो हम जब उन्हें मुस्लिम्स नहीं कंसिडर करते, तो आप लोग क्यों ज़बरदस्ती उनको मुस्लिम्स में डाल रहे हैं? और कौन से कंसेप्ट को कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग? क्यों ज़बरदस्ती का हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? 72 हुरेन, क्या लगता है कि ये जो अटैक्स किए उन लोग को जन्नत नसीब होगी, उनको हुरेन मिलेगी? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आप लोग समझिए प्लीज़। ये जो कॉन्सेप्ट है ना जन्नत और जहन्नुम का, स्वर्ग और नर्क का, हेवन और हेल का, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये हर रिलीजियस बुक्स में है। हर रिलीजियस बुक्स में अच्छा करने के रिवॉर्ड्स और गलत करने के जो पनिशमेंट्स है उसे कहा गया है। ठीक है, अब ऐसी बात हुई कि
किस ये जो हम पिक्चर्स में देखते हैं ना कि किसी का जब खून करना होता है तो कुछ पैसे ऑफर करते हैं और फिर खून हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये बात ऐसी हुई कि अब पैसों का कॉन्सेप्ट, मनी का सिस्टम ही हटा दो दुनिया में से, क्योंकि पैसे की वजह से लोगों के खून हो रहे हैं, तो पैसों का कॉन्सेप्ट हटा दो। ये लॉजिकल नहीं लगता ना, ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। एक बात आप लोग प्लीज़ बार बार याद रखें कि ह्यूमैनिटी में, ह्यूमैनिटी जो होती है, इंसानियत जो होती है ना, वो या तो किसी इंसान के अंदर होती है या तो इस किसी इंसान के अंदर नहीं होती। मज़हब, किसी का मज़हब ये नहीं सिखाता कि बेगुनाहों की जान लेनी चाहिए, कि बेगुनाहों को मारकर तुम्हें कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट दिया है तो इंसान को सही ज़िंदगी गुजारने के लिए दिया है, इंसान को सही गलत की समझ होने के लिए दिया है जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट। अगर आप समझते हैं कि एक एक ऐसा पर्सन है जिसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ गुनेह करने में निकाल दी, और एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए लोगों के लिए, उसने अच्छे काम किए, आप क्या समझते हैं कि मरने के बाद दोनों का एक ही अंजाम होना चाहिए? मतलब ऐसी सिस्टम नहीं होनी चाहिए कि इंसान को समझ में आए कि ज़िंदगी में अच्छा क्या करना चाहिए, उसे क्या बुरा करना चाहिए, ऐसा कुछ सिखाने वाली चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये सारी चीज़ें लाने का मीनिंग तो वही हुआ ना। क्यों हर रिलीजन में हेवन और हेल का कंसेप्ट है? हेवन में कौन कौन सी चीज़ें होती है, हेल में क्या क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ तो हर जगह सिखाई गई है। अच्छे काम करना, अच्छी चीज़ें करना, दिलों में मोहब्बत रखने को हमेशा रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये जो 72 हुरेन का कॉन्सेप्ट है भाई, फ्री में नहीं बट रहा है कि तुम किसी का कत्ल कर दोगे तो तुमको हुरेन मिल जाएगी। पहली बात आप ये बात याद रखिए कि जन्नत ऐसे ही लोगों को मिल सकती है जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होंगे, जिन लोगों ने अपने दिल में खौफ रखा होगा बुरे काम करने से। तो प्लीज़ 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 ये 72 हुरेन के भूत अपने दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नफ़रत फैले। आप क्यों फैलने दे रहे हैं? आप एक बार जानिए हमारे नबी, आप जानते हैं हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन था कुरेश। उनका जब आमना सामना हुआ था तब हमारे नबी के पास मौका था कि वो उनको मार सकते थे, पर हमारे नबी ने नहीं मारा उनको। उनके पास मौका था कि उनके सबसे बड़े दुश्मन को वो मारे, पर उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने ये सोचकर नहीं मारा कि ये ना सही, इसकी नस्लों में कोई तो आएगा जो इस्लाम को समझेगा, जो हमारे दीन में दाखिल होगा। उन लोगों का सोचकर अल्लाह ताला के नबी ने उसे नहीं मारा। ये भी तो आप समझे कि हम फॉलो किसको कर रहे हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो मुस्लिम नाम रख के ये प्रॉफिट के बातों को ओबे नहीं कर रहे हैं अगर, तो वो मुस्लिम्स नहीं हैं। ये सारे टेररिस्ट मुस्लिम्स नहीं थे, वो लोगों ने इस्लाम की कोई चीज़ फॉलो नहीं की थी। अगर मैं सो एंड सो रिलीजन का के सो एंड सो खुदा का नाम लेना चालू कर दूं और उनके नाम पर गलत काम करूं मैं, तो क्या मैं वो रिलीजन की हो जाती हूं? क्या वो रिलीजन मुझे इजाज़त देगा, एक्सेप्टेंस देगा? नहीं देगा। गलत चीज़ों को खाली एक रास्ता चाहिए होता है, और वो रास्ता या तो मज़हब या तो पैसे या कोई भी एक्स वाई जेड कारण को बना लेते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि जन्नत और जहन्नुम के बेसिकली कंसेप्ट, इंसान को ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी में सही गलत क्या होता है, ये बताने के लिए समझाया गया है। और दूसरी बात, जब हम अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, उसे हम तालीम देते हैं, हम स्कूल में क्यों रखते हैं? हम अपने बच्चों को स्कूल में क्यों रखते हैं? क्या ज़रूरत है उन्हें स्कूल में जाने की? वो लोग घर पर रहकर भी तो दुनियादारी सीख सकते हैं ना। हम स्कूल में उन्हें एक यूनिफॉर्म पहन के क्यों भेजते हैं? हम स्कूल में उन्हें एक प्रॉपर तरीके से क्यों भेजते हैं? हम बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वो लोग पहले से डिसिप्लिन समझे, पहले से वो लोग सही गलत समझे, पहले से उनको पता चले कि एक लाइफ गुजारने का तरीका क्या है। स्कूल में जाके वो लोग डिसिप्लिन सीखते हैं, उन लोग को पता चलता है कि उनको कौन सा नॉलेज ज़रूरी है, मैनर्स सीखते हैं वो लोग। उसी तरह रिलीजन्स बने हैं, रिलीजियस बुक्स बनी है, उसी तरह रिलीजियस बुक्स बनी है। और रिलीजियस बुक्स में कहा गया है कि एक इंसान के लिए सही क्या होता है, गलत क्या होता है। अगर सही काम करोगे तो सही रिवॉर्ड्स मिलेंगे, गलत काम करोगे तो उसकी पनिशमेंट्स मिलेगी। यही है जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि आप बेगुनाहों को मारोगे तो आपको जन्नत की हूरें मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? अल्लाह इतना बेरहम नहीं हो सकता।
अल्लाह रहम वाला है और हमारे नबी उनके अंदर इतना रहम था कि उनके जो चाचा थे ना, उनके चाचा हमजा रदी अल्लाह ताला नु, वहशी नाम के एक इंसान ने उस वक्त उनको काट दिया था, उनके टुकड़े कर दिए थे, हमारे नबी के चाचा के टुकड़े कर दिए थे। पर जब वही वहशी जब वो ईमान लेकर आए, जब उन्हें सही गलत का अंदाज़ा हो गया, तब मेरे नबी ने उनको भी माफ़ कर लिया था, वहशी रदी अल्लाह ताला नु, वो फिर इस्लाम में दाखिल हो गए थे। मेरे नबी ने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि तुम मेरे सामने मत आया करो, मुझे बार बार अपने चाचा की मौत की याद आ जाती है कि उनको तुमने कितनी बेरहमी से एक वक्त में मारा था। बस इतना कह के वो हट गए थे। वो वहशी रदी अल्लाह ताला नु फिर इस्लाम में दाखिल हुए थे, वो भी इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे और वो आखिर में ईमान लेकर आए थे। मेरे नबी ने उनको भी माफ़ कर दिया था। तो सोचो ये इस्लाम कितना रहम वाला रिलीजन है। प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप स्प्रेडिंग सो मच हेट्रेड, स्टॉप स्प्रेडिंग पॉइजन। ये ऐसा पॉइजन है ना कि नफ़रत एक ऐसी पॉइजन होती है ना जो अच्छे अच्छों का दिमाग ख़राब कर सकती है। हम और आप, हम सब जान, मैं कोई दूसरे रिलीजियस की किताब उठा के नहीं खोलना चाहती, मैं उसके रिवॉर्ड्स या उसकी पनिशमेंट्स नहीं गिनना चाहती, मैं जबकि मैं जानती हूँ कि सारे रिलीजियस बुक्स में क्या क्या रिवॉर्ड्स दिए गए। जंग में मरने वालों को हूरे नसीब होगी। और एक बात हमेशा याद रखना कि जन्नत की जो हूरे होंगी ना, उससे भी ऊँचा दर्जा अल्लाह ताला जानते किसे दिया। अल्लाह ने उन हूरों की सरदार को, जो दुनिया में जो बीवियां होती है ना, जो बीवी होती है ना शोहर की, वो जन्नत में हूरों की सरदार होगी। तो वो जो मेल होगा ना, वो ऑटोमेटिकली सारी हूरों को छोड़कर अपनी वाइफ के पास ही फाइनली आएगा, क्योंकि वो हूरों की सरदार अल्लाह ताला उसकी बीवी को ही बनाएगा जन्नत में। जन्नत में मियां और बीवी अपने परफेक्ट वर्जन में होंगे, जो दुनिया में नहीं थे। तो जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंसान को सही और गलत ज़िंदगी सिखाने के लिए बनाया गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो ये 72 हुरेन पिक्चर देखकर अगर आप लोग आए ना, तो अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो देखो, क्योंकि लोग तो बहुत सारी बुरी चीज़ें भी देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो एंटरटेनमेंट तक ही रखिए, उसे प्लीज़ इस्लाम से कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उसका दूर दूर से इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। तो अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना नफ़रत फैलाने के लिए, तो मेरे जैसे और लोग खड़े होंगे जो आप लोगों को सही बात बताने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें गलत मत समझना। थैंक यू।